नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रोग बुलेटिन। दर्शकों, आज मैं शामली विधानसभा पहुंचा हूं। यहां से तेजिंदर निरवाल जी विधायक हैं, जो कि बीजेपी से हैं। यहां कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं सरकार के कामकाज के बारे में, उनके विधायक के कार्यकाल के बारे में, किस तरीके से इनके विधायक ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं। जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद जैन। रमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर हूँ, कुछ नहीं करता। विधायक जी को जानते हैं अपने आप? हाँ, जानते हैं। कभी आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में ही रहते हैं, यहीं रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? तो 4.5 साल हो गए लगभग विधायक बने, कोई विकास कार्य कराया नहीं कराया आपके क्षेत्र में? हाँ, विकास कार्य हुआ है, भाजपा सरकार करा रही है विकास यहाँ पे, और हम भाजपा के ही फॉलोअर हैं। पिछली सरकारें क्यों ना पसंद है? पिछली सरकारों में तो भ्रष्टाचार था, माफियापना था, ये था, इसलिए हम तो भाजपा के फॉलोअर हैं। 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? हम तो मोदी को वोट देंगे, लगने का क्या पता पटे इस बात का, क्या होगा क्या नहीं होगा। चुनाव में जो भी रिजल्ट हो, हम भाजपा के फॉलोअर हैं बस। तो भाजपा ही आएगी फिर तो? नहीं, ये हम क्या कह सकें अभी इस बात को। हमारा तो ध्यान यही है कि भाजपा आएगी, बाकी अभी रिजल्ट तो बाद में ही होगा, जो भी होगा। क्या नाम है सर आपका? ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन जी, क्या चल रही है हालचाल शामली विधानसभा की? बहुत अच्छे चल रहा है, कहना विकास सब ज्यादा बीजेपी नहीं करवाया हमारे यहाँ तो। और पिछली सरकारों ने नहीं कराया? तो भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी, अपहरण इनके मामले में तो। अब तो बीजेपी में इस तरह का, कभी आदमी कहीं घूमो रात को, कहीं गांव में जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं। अब गुंडागर्दी खत्म है? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म। और क्या क्या चेंजेस आए हैं इनके, बीजेपी सरकार के आने से? नहीं, चेंजेस आ रही है, सड़क इतनी बन रही है कि विकास तो हो ही रहे, विकास के मामले में नंबर 1। वो पिछली सरकार में विकास नहीं होता था? नहीं, हुआ थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ, गुंडागर्दी ज्यादा थी। अब गुंडागर्दी पे शिकंजा कस गया। तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा इस बार? बीजेपी आओगी? बीजेपी आएगी। और आपके विधायक जी का क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बढ़िया काम करे, सज्जन आदमी है। कभी क्षेत्र क्षेत्र में आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से? करीब करीब दूसरे तीसरे दिन मुलाकात हो जाती है हमारी तो। क्या नाम है सर आपका? सतपाल है। सतपाल जी, क्या चल रहा है शामली विधानसभा का? बढ़िया चल रहा है जी। विधायक जी बढ़िया आदमी है? आदमी है जी। अभी आते हैं आपके क्षेत्र में बातचीत करते हैं? बढ़िया है। योगी जी पसंद है? नहीं है। पसंद है योगी की। और अखिलेश यादव? नहीं। क्यों पसंद नहीं अखिलेश यादव? ना जी, हमें तो है नहीं। मतलब कोई कारण तो होगा? कारण के वो मुसलमानों का वो है जी, वो मुसलमान लगा कर थे ऊपर ने, अब तो नीचे ने लिखा हुआ राम राम करके चले, अब तो मुसलमान भी। हाँ, योगी सर की सरकार ऐसी है। तो बीजेपी ने सबको हिंदुत्व सिखा दिया है? सबको सिखा दिया। तो पहले हिंदुत्व तो इतना नहीं था? पहले डर था हिंदू मुसलमान में, अब नहीं डरता। अभी कुछ ही दूर कैराना है आपसे, तो पलायन का मुद्दा पता है? कल में पलायन हुआ था कैराना से, अब हो गया वो सही है बिल्कुल? अब वापसी आ गए सब? अच्छा, चलो जी। क्या नाम है? अनिल पवार। अनिल जी, क्या चल रहा है योगी जी की सरकार में? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत क्या है, महंगाई की दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? वो महंगाई है, आदमी महंगाई से ही मर रहा। वैसे ठीक है, अपना पिछली सरकारें बेहतर थी, योगी जी बेहतर है? हमें तो पता नहीं, पिछली और अब की तो हम जानते नहीं। हमें तो पता है कि हम तो जयंत के आदमी, राष्ट्रीय लोकदल के, हमें तो वही पसंद है बस। पहले से ही लोकदल पसंद है? हम महंगाई से त्रस्त हैं, महंगाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। बच्चों को पढ़ावें, घर देखें, बाइक एक महीने से घर पर खड़ी कर रखी है, निकालते नहीं, पैदल आना जाना। अगर मुझे 6 किलोमीटर भी जाना है, पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, हिम्मत नहीं है। क्या लगता है अब तो उनका, अखिलेश यादव का रालोसा गठबंधन हो गया? हाँ, गठबंधन होगा जी। हम मतलब अखिलेश तो देखो, हमें कोई वो है नहीं सरोकार, हम तो जयंत चौधरी का आदमी, जयंत चौधरी को पसंद करते हैं। जयंत चौधरी हैं बस जी। तो जयंत चौधरी किसान के हिमायती हैं? हाँ जी, किसान के हिमायती हैं। किसानों को उसने बचा रखा है, किसानों का उनको जो हक दिया है इसने दिया है शुरू से। इतने चीनी मिल वगैरह जो लगवाए हैं, ये नहर वगैरह जो निकलवाई है, उसी की तो देन है चौधरी जी सिंह। सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया भाई? क्या दिया जी, अब 1 साल तक वहाँ पे दिल्ली पे बॉर्डर पे बिठाया जरूर है, ये दे रखा, ये दिया जी बीजेपी ने किसानों को। किसान नाराज है सरकार से बहुत? हाँ जी, नाराज है बिल्कुल।
महंगाई हो गई, अपराध पे शिकंजा कस पाई नहीं कस पाई बीजेपी? महंगाई पे कहाँ शिकंजा कस दिया जी, अपराध पे, अपराध अपराध पे क्या करना, अपराध में अपराध क्या है जी बताओ? पहले भी वही बात थी, अब भी वही बात है, कुछ नहीं है अपराध पर, अपराध कहीं कुछ नहीं है। यह कहने की बातें हैं कि सुरक्षा सुरक्षा, बताओ किससे सुरक्षा? कोई जंगली जानवर थोड़ी घूम रहे हैं यहाँ के, उनसे सुरक्षा? भाई इस चीज़ को हम मानते नहीं, हिंदू मुसलमान वो भी अपने हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई सब अपने हैं। ये कब से शुरू हुआ? जब ये रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी की शुरू में अयोध्या प्रकरण में, जब से हिंदू मुसलमान जानने लगे हैं। वरना जब शुरू में मैंने बाबरी मस्जिद का नाम सुना, मैं समझ रहा था कि बुटराडे के पास बाबरी है, ये है कोई, हम इतने अनजान थे। आज बच्चा पैदा होते ही वो हिंदू और मुसलमान सीख गया। सांप्रदायिकता फैला दिया बीजेपी ने, सांप्रदायिकता पूरी है जिस टाइम, सबके दिमाग चला दिए हैं बिल्कुल, सब बिल्कुल घूम चुके हैं बिल्कुल। इस बार मुझे लगता नहीं सांप्रदायिकता काम आएगी, तो हर बार चुनाव में यही करती है बीजेपी, नहीं चाहिए जी। आपके दुख समझदार हो गए लोग इस बार? हाँ जी, आपके लोग थोड़े से समझ रहे हैं। तो विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक ठीक आदमी है जी, देखो हम बुराई नहीं करेंगे, जो आदमी सज्जन है ठीक है, जो निर्वाल जी है हमारे आदमी ठीक है, सिद्ध आदमी, बढ़िया विधायक है, मतलब सरकार से नाराज जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, कैसी सरकार चल रही होगी जी? सरकार तो ठीक चल रही सब, मतलब जो है वो बैठे नहीं पर धरना दे, वो कहने के रखे मिल में साल भर हो लिया और वहाँ बैठे पीछे पीछे मांगे, तो जब अपनी चीज बेच के पीछे तो मांगेगा और दो साल में देंगे, नहीं होगा तो फिर लट भी मारेंगे मारे, तो बताओ क्या करें हम? सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया इस बार, बता क्या करें? कोई एक एक बताया तो सर, पाँच साल में मतलब जो है 25 रुपये बढ़ाए और नो बताओ और चीज़ें महंगाई बता लो कितनी बढ़ा रखी। बिल की पेमेंट का क्या हाल है? पेमेंट वारी चल में चलूँ मेरी गल, पिछले साल का भी नहीं आया, पूरा बुढ़ाना मिल धरना धरू बैठे लोग भी गंडा गिरा था पिछले साल, पीछे मांगे इस साल और फिर भी मतलब इनके लट मारो भगाओ अंतर था और फिर ले लग रहे गंडा, गुना के रखा कि सुनने में कुछ विचार ना, अरे अपनी चीज दे के पीछे मांग रहे, गुना तो नहीं कर रहे कुछ, गुना कर रहे बताओ। अरे रही थारे विधायक जी की, मैं कहूँ खुल के कह रहा जो है बुला लो, मैं एक आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करने कहा था, जो नेम जो चेंज कर रहे अभी उसे ही फोन कर करके नुका था इसका, यो नया कर दिए, ये इलीगल है, 13 में होता था अब नहीं होने का। हाँ मेरे एक आधार कार्ड पर नया चेंज नहीं करा था विधायक ने, मैं कुकर वोट दे दूँगा और वो कुकर बढ़िया कह दूँगा, तो मेरे तो यहाँ आया भाई। विधायक जी कभी क्षेत्र में विकास कार्य कराते नहीं कराते? तो उसके गुरु गायल मगर एक लेटर सा दे दो, मैं अपने इस पे आधार कार्ड पर संशोधन करवा लिया, इतना बड़ा काम नहीं था, मेंबर ने भी दिखा, मेंबर ने भी दे दिया भाई नन्नू कर के ले, 13 में होता होता होगा अब नहीं होने का भाजपा सरकार में। हाँ तो उसके तो विधायक भी बदलना है इस बार कैसा? हम तो बदलेंगे भाई, हाँ हम तो देने का नहीं साफ बात है। क्या नाम अंकल जी आपका? श्रीपाल गोयल। श्रीपाल जी कैसी सरकार काम कर रही होगी जी की? सरकार बिल्कुल खत्म, क्योंकि सरकार में गुंडा राज भ्रष्टाचार जितना पनप रहा शायद किसी भी सरकार में ना हो, ये भी और तो क्या बचेंगे। हमारे यहाँ आईजी का पेट्रोल पंप है, वो ही लूट गया दिन में, खुद मेरा पंप लूटा, एक गदर लूटा और ये भी परसों तरसों डीएम साहब के स्टेनों के घर दिन में 2 बजे बढ़ के बदमाशों ने डकैती डाल ली, तो इससे बड़ी बदमाशी और कहाँ होगी जब दिन में ही लूट रोपाट हो रही। बीजेपी सरकार तो कह रही है पीजी सरकार गुंडों की सरकार थी। बीजेपी सरकार तो नूंगे मरते बढ़िया सरकार ही नहीं है, बीजेपी की सरकार में कौन खुश है? आशाओं का आंदोलन चल रहा, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा, डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा, किसानों का आंदोलन चल रहा, 11 दिन सीनियर सिटीजन का आंदोलन चला यहाँ पे, आज उन्होंने जब ना ही उठा अपने आप ही उठना पड़ा, उन्हें लॉलीपॉप दे के सुरेश राणा जी आए थे, लॉलीपॉप दे दिया, वास्तव में उचित मांग है और मैं मांग उठाऊंगा, और मांग ये सरकार किसी की मन नहीं करती, या तो अपनों को ही नहीं मानती, इन्होंने तो अपने जो उनसे सीनियर है उन्हीं को कोने में धरक के ये और की तो क्या मान लेंगे। हमारे देश में हमारे प्रदेश में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है मात्र 500 रुपये है, जबकि हमारे निकटवर्ती प्रदेशों में सब में 3000 रुपये है, ऐसा भाई इस प्रदेश में क्या डकैती आ रही जो 500 रुपये है, 500 रुपये में हो जाएगी? आशाएं दुखी, डॉक्टर दुखी, शिक्षक दुखी, किसान दुखी, नौजवान बताओ नौजवान भी दुखी, उन्हें रोजगार नहीं, जिन्हें रोजगार मिल रहे थे वे भी घर आ गए, उनके भी रोजगार हटा दिए, सरकारी संपत्ति सारी बेच दी, तो क्या होगा, कहेगा विकास? इन्होंने तो उत्तम प्रदेश की वजह से ऊत प्रदेश बना दिया, गड्ढा मुक्त प्रदेश, गड्ढा मुक्त प्रदेश तो ये सारी सरकारों ने जहां जहां थी सबने सड़क बनवाई,
इन्होंने नहरी नहीं बनवाई, सड़क तो सबने बनवाई। जब पहले जहाँ जरूरत थी, जब थोड़ी सड़क की थी थोड़ी बनी, जब ज़्यादा की होगी ज़्यादा बनी, इससे आगे लिया होगी इससे ज़्यादा बनावेगी। और सारी सरकारों ने बनाई, किस सरकार ने सड़क नहीं बनवाई मुझे ये बता दो। विधायक जी के क्या हाल है आपके? विधायक जी तो बेचारे, उनकी कोई नहीं सुनता। सज्जन आदमी है बहुत, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। और जब उनकी कोई सुनता नहीं, वे करेंगे क्या बेचारे? तो विधायक भी बदलना है इस बार? नहीं बदलना विधायक ही, विधायक नहीं सरकार ही बदलेगी, विधायक नहीं सरकार ही बदलेगी। आगे आने वाले चुनाव में सजा बदलनी चाहिए इस बार? बिल्कुल 100% बदलनी नहीं चाहिए, बदलेगी। क्या जहाँ 403 विधानसभा हमारे प्रदेश में है, ये कैसा भी हो सके इनकी 15 ही रह जाए, जो उनसे कहें 350 होगी, क्योंकि ये तो झूठ बोलना इनका काम। बीजेपी नाम में भी बिल्कुल झूठी पार्टी, ये तो है झूठी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी। पहले जो काम 500 रुपये में होता, आज वो 50,000 में हो, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ होगा। मिड डे मील में कई 1,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, वो किसका भाई? वो भी तो ही नहीं का होगा, किन्ना करे आई घोटाला। गन्ना, गन्ने का सारा पेमेंट बाकी, किसान 1.25 साल धरने पे, हमारा अन्नदाता 1.25 साल धरने पे सड़कों पे बैठा, और इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। और वे ही नहीं बैठे, मैंने आपको बता, आशाएं हमारी धरने पे, सरकारी डॉक्टर धरने पे, शिक्षक धरने पे, सीनियर सिटीजन धरने पे, किसान धरने पे, सारे धरने में बैठे, खुश कौन है? वोट तो यही देंगे जी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार उपाध्याय। विजेंद्र जी, कैसी सरकार काम कर रही है? होगी जी, बस सरकार तो कर रही जैसा कर रही, पर भाई बदलाव जरूर चाह, विपक्ष भी मजबूत चाह, सरकार का बदलाव जरूर चाह, क्योंकि अपना औका अपनी मरोड़ हो रही योगी की सरकार में। तानाशाही चल रही है? चल रही, कुछ काम नहीं करा सरकार क्षेत्र में? नहीं काम करा, पर इतनी महंगाई जो इतनी भ्रष्टाचार चल रहा, कहना कहानी रेप हो रही, कहा नहीं हो रहा बताओ, सब चीज हो रही। अरे महंगाई देख आसमान छू रही, काम तो रहा 25% काम हो रहा, तो 75% भ्रष्टाचार है। बदला जरूर चाहो, बदलाओ, बदलाव जरूरी है इस बार। हो बगा तो किसकी आनी चाहिए फिर? अखिलेश की और लोकदल की गठबंधन सरकार होगा। बढ़िया सरकार है वे? हाँ काम करा बढ़िया, क्या मतलब भाई, फिर भी अगर कोई भी कर जाओ, विपक्ष जरूर मजबूत चाह, बदलाव जरूर चाह, कहने का मतलब ये है। तो इस बार बदलाव होगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? चांद कुमार। चांद जी, कैसी काम कर रही होगी जी सरकार? भाई काम तो बेकार कर रही, महंगाई इतनी, मजदूरी कम, तो थोड़ा करना तो बदलाव होना चाह। बदलाव होगा इस बार? हाँ किसका बदलाव होगा, कौन आएगा बदलाव में? भाई ये तो किसी मत के खेल है, कौन है, कोई भी आ सकता है, पर बदलाव होना जरूरी है। विधायक जी के क्या हाल है आपके? ठीक है जी, विधायक जी भी आते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं आते? नहीं जी क्षेत्र में नहीं आते। कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं जी। कुछ शामली में काम कराया नहीं कराया? हाँ शामली में करा रहे जी। क्या काम करा रहे हैं? खाले खुले बढ़ने हैं ये। बस बस। पढ़ाई की आपने? नहीं की? हाँ जी कर रखी। क्या पढ़ाई कर रखी? 10th कर रखी। रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा इस बार? रोजगार सुबह को भट्टे पर जाकर खड़े हो जा जी, वहाँ से कभी कभार टाली भी रह जा, नहीं वैसे तो ठीक ठाक चल रहा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैं ढिल्ले बताऊ जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद फुकन। कैसा काम कर रही होगी जी सरकार? बढ़िया, जूते बजाने वाली। जूते बजने वाली? बजाने वाली बज रहे हमारे। आपके बज रहे? हाँ जी। और बजेगा? और बजेंगे। क्यों बजेंगे? महंगाई ज्यादा हो रही बहुत। और महंगाई ज्यादा हो रही, तेल महंगा हो गया, सब चीज महंगी हो रही, कोई आदमी परेशान है, सब सब परेशान है, सब परेशान। अमीर लोग परेशान है? नहीं है अमीर क्या बेचारा परेशान होता है? क्या परेशान होता है? गरीब आदमी परेशान है, सब बेचारा, कोई ठेली चलावे, कोई रिश्ता चलावे, कोई बीच सड़क में पड़ा भूखे हो रहे, सब गरीब आदमी परेशान, ठेली फटी सामने। सरकार बदलनी है इस बार? सरकार जड़ खत्म होनी चाहिए। कौन आएगा फिर इस बार? बस देखो कौन आएगी, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश की सरकार बढ़िया जी। विधायक जी के क्या हाल है? दुआ सलाम बढ़िया जी। देखो क्या नाले साफ हो गए, बस वो क्या हो गया जी, नाले साफ करवा रहे विधायक जी बस, और कुछ काम नहीं करा रहे क्षेत्र में? नहीं जी। बताओ महाराज जी। हाँ जी सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। बताइए क्या कहना चाहते हो? ये मेरा पैर खराब,
ये हाथ खराब। सरकार के बारे में बताओ। मैं सरकार के बारे में बताता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी तो मैं दिहाड़ी मजदूरी तो कर नहीं सकता हूँ, मांगना सीख लेते, एक दो रुपया भी मैं मांगता हूँ। अगर मेरे पास 150 रुपये सिक्के हो गए ना, तेरे से सिक्के नहीं लेने, कागज ले के ला के दे हमें। ये कागज के मैं कहाँ से ला के दूंगा? और बताओ। एक दो रुपये सिक्का, सड़क यहाँ पे स्टेशन पे सो जाते थे, यहाँ पुलिस वाले दो डंडे मारते हैं, चल परे को सो, यहाँ को ना सो। तो सरकार से ये मांगे? तो उसके बाद सरकार ये बोलते रहते हैं एकदम मेरे को, कह कह कहते भाई तू तेरा घर बार कहाँ, मेरा घर परिवार तो मेरे माँ बाप जिंदे होते तो मैं उनों के पास रहता, अब हमें इतनी परेशान कर रही है सरकार हद से ज़्यादा। चलो करवाएंगे आपका। जी क्या नाम है आपका? रजत जी क्या करते हैं आप? आईटीआई कर रहा हूँ। क्या प्लान है आगे करने का? नौकरी मिलेगी? नौकरी मिल जाएगी वैसे, जब पढ़ेंगे तो, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं मिलने का। और आपके जो सहपाठी हैं साथ में, नौकरी वोकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा, सब खेती बाड़ी में। जैसे आप युवा हैं तो क्या लगता है रोजगार की स्थिति क्या है इस टाइम प्रदेश में या देश में? रोजगार जो अगर जो मतलब जो पढ़ा लिखा है उसे तो मिलेगी, जो अनपढ़ है उसे क्या मिलेगा? अनपढ़ का तो कुछ नहीं मिलने का। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। कैसा बढ़िया लग रहा है काम? सब बढ़िया ही है, कोई कमी नहीं है योगी जी में? कोई कमी नहीं है। कोई बढ़िया काम बताओ। सारे सड़कें ठीक करवा दी एक तो, और हमारे हिंदुओं को ज़्यादा बढ़वा दिया, अब जो गुंडागर्दी कम होगी। अब रास्ते में मतलब अब कोई रात को ट्रॉली नहीं लेके आ रहा था गन्ने की, अब रात भर ट्रॉली चल रही गन्ने की। बदमाशी खत्म हो गई? बदमाशी खत्म होगी बिल्कुल। मोबाइल वो मोटरसाइकिल छीन लेते थे, थप्पड़ मार गए, अब बदमाशी बिल्कुल खत्म होगी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। आगामी चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव में? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी बिल्कुल, बहुमत से, पूर्ण बहुमत। अखिलेश जी का क्या होगा? अखिलेश से बाहर बैठेंगे जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी कैसा काम कर रही है अभी जी सरकार? बस काम तो ठीक कर रही है, पर जो है यू रिश्वत लेने का काम बंद करवाओ, सरकार को कह दो उनको यू रिश्वत जो चल रही इसे बंद कर दे बिल्कुल। हम बिल्कुल फिक है, कोई दिक्कत नहीं, महंगाई भी झेल लेंगे हम, आमदनी तो हमारी है नहीं, आमदनी तो सारी पीगी सरकार, इससे पहले पीगी और इस सरकार ने पी थी, पर यू जो रिश्वत लेने का काम चल रहा यू हमें बढ़िया नहीं लगता। कहीं चले जाओ आप, 10 रुपये का काम हो चाहे 10 लाख को, और जंगल रिश्वचा कहाँ से देंगे गरीब आदमी या किसान कहाँ से देंगे, तो बताओ आप। तो पहले भी पहले रिश्वत नहीं जाती थी के? पहले हमने दी नहीं कभी, पंगा तो हमारा ही फंसा। 2017 से मेरा मुकदमा चल रहा है, लोग का पता, जहाँ भी जाओ सब रिश्वत मांगे, किसे दू भाई मैं रिश्वत बताओ, और किसे वोट दे दू, किसी के थोड़े चले जाओ थाने ते लेकर ऊपर लोग का चले जाओ, कही कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, पीछे लेकर बैठ जाएंगे, नुका देंगे क्या लगा हो जाएगा, चला जा हो जाएगा, 6 साल मुकदमा लड़ दू लेने जा, कथ पड़ेगा मुकदमा लड़ू मैं। विधायक जी कैसे हैं आपके? के विधायक जी भी ठीक है, पर ठीक ही है बस, अपने घर के मामले सुलझते हैं, दूसरों को सुलझ जावे, मुझे तो नहीं कह देता, मैं कह लगा मेरे पे अपने मुकदमे नहीं सुलझते, तेरे तो सुलझाऊंगे हम, जनता के लिए नहीं करते कुछ भी। बस जनता के लिए हमें तो पता नहीं, मार तो कभी लग गया कोई मामला फंस गया चले जा, अरे तो कोई जरूरत नहीं अपने काम में पड़े, हम तो हमें क्या जरूरत है, रोजगार दे रही नहीं सरकार, रोजगार अपना काम कर रहे, बी ए भी आदि में छोड़नी पड़ गई थी, जिंदगी के दो अक्सर पड़े थे भी उल्टे बीए, वह भी आदि में छोड़नी पड़ी हमें तो, उसके बाद में अपना अलाइनमेंट का काम कर रहे, मिस्त्री है अपना, हाथ के दस्तकार हो रहे अपना, नया कर रहे कार्य, और कहाँ लो जा, महंगाई की आंधी उतर रही, पतंजलि का तेल बिक रहा 200 रुपये किलो, किसान जो है सिरसू कर रहे तेल कटवाने के लिए वो बिक रहा है 160-170 रुपये किलो, उसमें फर्क नहीं है कुछ, मुझे बताओ उससे क्यों नहीं पूछते क्या 200 रुपये किलो तेल कहाँ तैर रहा, किसान जो लट मारे जा रहे क्या लगा बोल रहे पता खा दो लट पेल दो इनके दफा करो इनते, क्यों हो रहा है काम बताओ। सरकार बदलनी चाहिए इस बार? ऐसे है सरकार नहीं बदलनी चाहिए, आदमी बदलने चाहिए जो रह रही, सरकार तो ठीक है, सरकार की दिक्कत नहीं है, यू भ्रष्टाचार जो चल रहा फिलहाल यू बदलना चाहिए बस, इसे खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फिक्र रहेंगे, हम वोट देंगे सबकी, अड़कर रहेंगे। क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार।
जी कैसा काम कर रही होगी जी सरकार? देखो सरकार तो अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है, परंतु कुछ समस्याएं हैं। जैसे सरकार ने बोला था कि हम 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, वो पेमेंट नहीं आज तक हो पा रही। किसानों को अपना पैसा लेने के लिए धरना, प्रदर्शन, पिटना, छेतना, पता नहीं क्या क्या करना पड़े। इनका पैसा इन्हें नहीं समय पर मिलता, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। बस किसान के तो ऐसा हो रहा कि भाई घर से निकले तो लटका, अपना पैसा मांगे तो लटका, और अपना गन्ना फ्री में देगा उन्हें जबरदस्ती सब। तो लाइट फ्री मिल रही है 12 चलाने के लिए, उसका क्या? ठीक है जी, ये समस्या है जो दूर होनी चाहिए। भाई मान लो हमारा गन्ना हमें ही वहाँ उधार में गिरकाना, उधार में देने के बाद फिर हम दिक्कत में इसके है कि भाई पैसा लेना तो हमें धरना प्रदर्शन करना। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म है, बदमाशी खत्म है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, हर बार सोचना चाहिए इस चीज़ को कि महंगाई उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? देखो आएगी तो भाजपा ही, वोट तो भाजपा को ही देंगे, परंतु सरकार के हमारे बस यही प्रार्थना है कि भाई किसानों का समय पर वो दिलाए और ये महंगाई पर भी कंट्रोल करें। थोड़ी सी कमी है मतलब? हाँ, नहीं तो सरकार योगी जी तो अपना काम मस्त कर रहे हैं। और विधायक जी के क्या हाल है आपके? विधायक जी ठीक है, सब काम कर रहे हैं? भाई सब काम कर रहे होंगे, हम तो कभी मिले नहीं, ना हमारा कोई मुकदमा है ना कुछ है, ना कोई उनसे हमें जरूरत पड़ी कि हम उनके दरवाजे पर जाकर बैल बजावे जी हमारा यो काम करवा दो। कभी क्षेत्र में आते नहीं? आते आते हैं, मिलते हैं, ये तो रोड पर जाते हुए दुआ सलाम हो जावे। क्या ऐसी चीज है जो शामली को जरूरत थी सबसे ज्यादा और विधायक जी नहीं कर पाए और होनी चाहिए वो? बस सबसे पहले तो ये है कि गन्ने की पेमेंट दुआ दो, बस हमारी समय पर दिला दो, ठीक है जी, और महंगाई पर कंट्रोल करवा दो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, नहीं तो किसान तो सरकार के साथ था, किसान की सरकार से अलग नहीं है, परंतु जो वादे करे थे कि भाई 14 दिन में पेमेंट करवा देंगे, वो करवाना चाहिए। 14 दिन में नहीं करवा रहे, 1.5 महीने में 2 महीने में करवा दो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।